जब बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी बताई और धर्म बताया तो उसके बाद जो ग्रस्त लोग थे, गांव के लोग थे और जो कम जानकार थे या जो सांकेतिक भाषा में काम करते थे या संकेतों के रूप में चिन्ह करके बताते थे, सिंबल्स के रूप में, उन्होंने कुछ सिंबल्स और कुछ चिन्ह बनाए। वो चिन्ह धर्म को स्पष्ट करने के लिए बड़े अच्छे और जो आज भी मान्य हैं और चलते हैं। उनमें जो पहला चिन्ह है वो है कि अगर कहीं पे चार डॉट लगा दिए जाएँ, चार डॉट का मतलब है चार बिंदु स्क्वायर में यानी वर्ग के अंदर, एक ऐसा 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 करके एक वर्ग है उसमें चार अगर बिंदु लगा देते हैं तो उनको बोलते हैं चार आर्य सत्य। अगर स्वास्तिक आपने देखा होगा, स्वास्तिक चिन्ह, अगर आपने स्वास्तिक चिन्ह नहीं देखा है तो आप जो जर्मन सेना के जो हिटलर थे, रुडोल्फ हिटलर, उनकी जो वर्दी है उस पर एक चिन्ह मिलता है, उसको स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं। और जो स्वास्तिक चिन्ह है या स्वस्ति चिन्ह है जिसको बोला जाता है, वो यहाँ आर्य सत्य को बताता है कि आर्य सत्य अनुलोम है या विलोम है, यानी कि आर्य सत्य जो चल रहा है वो उल्टे चल रहे हैं या सीधे चल रहे हैं। तो अगर अनुलोम है तो इसका मतलब वो क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज वो चल रहा है आर्य सत्य, यानी स्वास्तिक का चिन्ह आपने देखा होगा। तो महिलाएं हमारी स्वास्तिक चिन्ह बनाती थी घरों के बाहर, चार बिंदु बनाती हैं एक साथ, उसके साथ में अगर वो स्वास्तिक चिन्ह बनाती हैं और उसमें वो राइट दिखाती हैं चलता हुआ, इसका मतलब यह है कि वो अनुलोम है, आर्य सत्य का पालन इस घर में नहीं हो रहा है। और अगर वो उल्टा बना रही हैं यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब आर्य सत्य का वो विलोम है, इसका मतलब यहाँ आर्य सत्यों का पालन हो रहा है और यहाँ चक्र चल रहा है। इसको स्वस्ति बोलते हैं, स्वास्थ्य बोलते हैं। स्वास्थ्य का मतलब, स्वस्ति का मतलब पाली में होता है कल्याण, कल्याण हो, मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहें, इसका मतलब ये होता है। स्वस्थ माने अच्छा होता है, यानी स्वास्थ्य जो बना है स्वास्थ्य करके, इसका मतलब अच्छा कल्याण होता है। तो ये चिन्ह हमेशा आप स्वास्थ्य का चिन्ह जब भी देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरह से होता है, विलोम और अनुविलोम, और इसका मतलब है कि यहाँ चार आर्य सत्य चल रहे हैं, सीधे या उल्टे। चार आर्य सत्य आप जानते हैं क्या है, चार आर्य सत्य दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। जो हमने एक वीडियो बनाई आर्य सत्य के बारे में, उसमें डिटेल में हमने बताया है कि चार आर्य सत्य क्यों है और इनको आर्य क्यों कहा गया है। एक होता है धम्म चक्र, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारी पुराने घरों में महिलाएं हैं या बूढ़े हैं या बच्चे हैं, वो अपने घरों के आगे गोबर से पोत के और सफ़ेद जो चूना है उसके बाद फिर लाल रंग से एक धम्म चक्र बनाते हैं, गोल गोल पहियाँ बनाते हैं। वो जो गोल गोल पहियाँ हैं उसको धम्म चक्र बोलते हैं। वो धम्म चक्र है, इसका मतलब इस घर के अंदर धम्म चक्र वाले लोग रहते हैं, धर्म वाले लोग रहते हैं, धम्म वाले लोग रहते हैं। आपने देखा होगा कि हाथ की छाप भी बनाते हैं, गोबर पे हाथ की छाप लेते हैं, रंगीन सफ़ेद करके बनाते हैं घरों के ऊपर। अगर एक हाथ की छाप है तो इसका मतलब है कि यहाँ पंचशील का पालन होता है। और अगर दो हाथ का सील बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि 10 पारमिताओं का पालन करने की यहाँ कोशिश की जाती है और वहाँ पालन होता है। ये घर 10 पारमिताओं का भी पालन करता है, पालन चलता है। अगर तीन खड़े डंडे बना दिए जाएँ या तीन पत्थर गाड़ दिए जाएँ या तीन ईंट रख दी जाएँ या तीन कोई टुकड़े रख दिए जाएँ या तीन ढले हों, तीन मिट्टी के ढले हों या तीन क्या बोलते हैं कोई चिन्ह हैं या तीन डंडे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो तीन जैम हैं हमारे, तीन रत्न हैं, रत्नत्त बोलते हैं उनको, रत्नत्त हैं, त्रिरत्न हैं, तो इसका मतलब यहाँ तीन रत्नों का शिक्षा होती है और उसका पालन यहाँ होता है। अगर चक्र के अंदर आठ तिले बने हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि इस घर के अंदर आठ अंग का जो मार्ग है, जिसको अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग, उसका यहाँ पालन होता है, जिसमें तीन हमारे होते हैं सील वाले पहले और दो समाधि के और दो हमारे पहिया के यानी प्रज्ञा के होते हैं। ये कुछ चिन्ह हैं, इन चिन्हों से हमें पता चलता है कि इस घर के अंदर धम्म के क्यों कितने नियम माने जाते हैं और कैसे हैं। ये आज भी चलता है, जब शादी होती है तो हम छाप लगाते हैं हल्दी की, इसका मतलब पंचशील का पालन हो रहा है। धन्यवाद।